चीन के बाद हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है और देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज मिलने के बाद अब दिल्ली से सटे यूपी के बागपत जिले में कोरोना वायरस का अलर्ट जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को बचाव के लिए सावधानी बरतने की हिदायतें दी जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में इंसुलेशन वार्ड बनाए गए हैं और जनपद की तमाम सीएचसी पीएचसी में तैनात चिकित्सकों को अलर्ट कर दिया गया है और विदेशों से आने जाने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए टीमें लगाई गई हैं और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के लिए टीमें लगाई गई हैं ताकि कोरोना की बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। वहीं सीएमओ बागपत का कहना है कि जो लोग बागपत से कहीं भी इधर उधर गए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक 3 लोगों की जांच कराई थी और किसी में भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। अभी जयपुर से लौटकर आए बागपत के एक युवक की संदिग्धता को देखते हुए जांच कराई जा रही है और लोगों को कोरोना से बचाव के लिए खुद ही जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लोग ये ध्यान रखें कि किसी से भी हाथ ना मिलाएं, किसी को खांसी जुकाम है तो उससे 3 फीट दूरी बनाए रखें। देश में कोरोना वायरस की आवक बढ़ गई है और काफ़ी संख्या में लोग भी बीमार दिख रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में कोरोना वायरस के पेशेंट पाए गए हैं तो यहाँ क्योंकि बागपत दिल्ली से सटा हुआ है तो कोरोना वायरस को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्या अलर्ट जारी किया गया है? हमने अलर्ट किया है, जो हमें सूचना मिलती है जिस व्यक्ति की भी अगर इन देशों से आया है, जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाइड की है उसकी सूचना हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिल जाती है और उसको हम वॉच करते हैं। अगर वो मान लिया बागपत का रहने वाला है और वो अगर ऋषिकेश चला गया है या नोएडा में है तो वहाँ की अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं। अगर वो यहाँ होता है और उसमें कोई सिम्टम है तो उसके हम सैंपल लेके और उसको NICD दिल्ली भेजते हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल में हमने एक आइसोलेशन वार्ड इसीलिए बनाया है और हर CSC PSC के डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया है। प्राइवेट डॉक्टर्स की भी एक सूची बनाई है कि जिनके यहाँ क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वो भी हम सरकार को भेज रहे हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग इस तरीके की जो भी यहाँ भी बारात घर या वो है उसकी सूची बनवा के शासन को भेजी है कि अगर किसी को अकेले में रखना पड़े तो उनको वहाँ रखा जाए, लोग हाथ ना मिलाएं दूसरे से। अगर किसी को खांसी जुकाम हो तो 3 फीट दूर से बात करें और बार बार हाथ धोएँ, अच्छी तरीके से साफ करें, साबुन से साफ करें और नहीं तो 1% हाइपो इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की सफाई ब्लीचिंग पाउडर के लिए 1 डिब्बी माचिस में 1 लीटर पानी में डाल के पूरी एरिया की धुलाई कर सकते हैं अगर इस तरीके का कोई आदमी आता है तो। बाकी हमारे पास पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए सारे इक्विपमेंट BTM मीडियम वो और ट्रिपल लेयर मास्क और N95 मास्क वगैरह जो अगर इस तरीके की कोई घटना आती है तो हम उसके लिए उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे सरकारी संस्था में वेंटिलेटर उपलब्ध है। अच्छा, यहाँ बागपत में कोई किस तरह का अभी तक कोई अभी नहीं है, जो भी आए हैं और 3 हमने पहले सैंपल भेजे थे, 3 रिपोर्ट नेगेटिव आई। अगर एक अगर आज पेशेंट डिटेक्ट आ गया होगा तो उसका सैंपल और भेजा जाएगा। अच्छा, इसके लिए जागरूक करने के लिए क्या किस तरह गाँव देहात क्षेत्र में जो बताया कि अपनी व्यवस्था अपने आप करनी है, इलाज इसका कोई नहीं है, कोई हाथ ना मिलाएं किसी से, हाथ बार बार धोएं और अल्कोहल अगर जो सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं और मामूली मास्क भी अगर लेके बाहर घूम रहे हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है, फायदा है उसका। इसके लिए कई गांव और देहात क्षेत्र में अलाउंस वगैरह कराए जा रहे हैं क्या? वो सब सूचनाएं दी जा रही हैं, वहाँ के MS को निर्देश हैं, आज फिर भी VC है, जो सरकार उस निर्देश देगी वो भी पालन किया जाए।